स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों लोगों का जानना है कि मार्केट का जो रेट होता है ट्रकों का, वो किस तरह से निकाला जाए, किस तरह से हम अपने कस्टमर को एक एक्यूरेट रेट दे सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए संभव है, बट अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल जरूर हो जाता है मार्केट का ये रेट निकाल के देना। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप मार्केट का एक्यूरेट रेट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट रेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तरीका क्या है दोनों का, दोनों हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि इंडिया की जो ज्योग्राफी स्थिति है, मतलब कि इंडिया जो जिस तरह से बना हुआ है और यहाँ पे जिस तरह से ट्रकों का रेट होता है वो किस तरह से अप एंड डाउन होता है, तो ये दो तीन चीजों पर बात करेंगे। सीजनल वाइज जो रेट होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको जरूर दे दूंगा, बट पूरा आइडिया मैं नहीं दे पाऊंगा। इसके बारे में मैं खुद अभी स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी करने के बाद इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो में जानते हैं आज की सारी डिटेल्स क्या है। इससे पहले हमारे एक दूसरा चैनल स्टार्ट हुआ आप लोगों के लिए, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड। अगर अभी तक आपने हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर के सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपके पास नए नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आते रहे और आप कुछ नया सीखते रहे, जानते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आप चलते हैं अपने वीडियो पर। आज के बारे में हम जानते हैं कि ट्रकों का रेट हम कैसे निकाले। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ट्रकों का कोस्ट, अगर किसी तरह का कोई ट्रक होता है तो उसका कोस्टिंग किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके बारे में बताया था। अभी तक मैंने ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया था जहां पे मैं आपको कहीं से भी सही जानकारी दे सका कि ट्रकों का रेट क्या हो सकता है। ट्रकों के कोस्ट के लिए मैं जरूर आपके साथ शेयर किया हूं डिटेल्स, बट रेट के लिए एक डिटेल तकरीबन आज से एक साल पहले मैं शेयर किया था, बट वो डिटेल्स जो था वो एक सीजन वाइज डिटेल्स था, वो कुछ महीने के लिए था, पूरे साल के लिए वो रेट नहीं था। तो बट आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं कुछ आपके साथ इसी तरह का डिटेल शेयर करने वाला हूं कि ट्रकों का रेट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं अगर मार्केट रेट का, हर दिन के रेट का, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपके पास आइडिया हो सकता है कि ट्रकों का रेट आज के डेट में क्या है, बट अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपके पास सिंगल एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं आज के डेट में इंडिया में किसी भी नए ट्रांसपोर्टर को जानने का कि आज का मार्केट का रेट क्या है। एक तरीका जो है दोस्तों वो यही है कि एग्जिस्टिंग जो भी ट्रांसपोर्टर है, आप जिस भी लेन के लिए, जिस भी ट्रक के लिए काम करते हो, पर डे आपको एक बार किसी ना किसी ब्रोकर को, दो तीन ब्रोकर को कॉल करके या दो तीन ट्रक मालिक को कॉल करके पर डे का रेट आपको मार्केट का लेना होगा, तभी आप सही से मार्केट रेट का जानकारी रख सकते हो। अदरवाइज इसको छोड़ के कोई और तरीका नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो तो। बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास खुद एक्सपीरियंस होगा कि मार्केट का रेट किस तरह से अप एंड डाउन होता है, लोग उस रेट के साथ किस तरह से खेलते हैं और मार्केट में ट्रकों को प्लेस करते हैं। बट दूसरा तरीका है जो दोस्तों, जो एक्चुअल में कैलकुलेशन के आधार पे इंडिया का रेट जो है ऊपर नीचे होता रहता है, वो क्या है वो थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूं। बट वो रेट जो है वो एक्यूरेट रेट नहीं होता है, वो एक अप्रोक्सीमेट रेट होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मेरे से कोई अभी पूछ दे कि दिल्ली से मुंबई का 32 फुट डबल एक्सल का ट्रक कितना का जाता होगा, तो मैं उनको बोल सकता हूं कि 45,000 का जा सकता है, बट मैं श्योर 100% नहीं हूं कि 45,000 में ही ट्रक आज के डेट में दिल्ली से मिल सकता है। हो सकता है ये रेट 43 भी हो सकता है, हो सकता है ये रेट 47 भी हो सकता है, हो सकता है ये रेट 50 भी हो सकता है। तो ये जो रेट है, ये रेट मैं भी एकदम कंफर्म नहीं बता सकता हूं जब तक कि मैं मार्केट से एक बार कंफर्म ना कर दूं, या फिर अगर मैं पर डे 10 ट्रक, 5 ट्रक, 6 ट्रक लगा रहा हूं किसी कस्टमर के लिए, तो फिर मुझे आइडिया होगा कि आज का मार्केट का रेट क्या हो सकता है। उसमें से 1-1.5 हजार रुपए का फर्क हो सकता है, ज्यादा का फर्क नहीं हो सकता है। तो ये एक तरीका होता है एक्सपीरियंस लोगों के लिए। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। जो इंडिया का रेट फ्लक्चुएट करता है, जो इंडिया का ज्योग्राफी के हिसाब से रेट यहाँ पे अप एंड डाउन होता है, वो क्या है।
सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों तीन चार रूट, वहां पे हम बताते हैं आपको कि क्या क्या होता है किस तरह से रेट। जैसे कि पहला हम लेते हैं दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, मतलब कि नॉर्थ टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ का। इसमें जो रेट है दोस्तों, इसमें हमेशा दिल्ली से मुंबई साइड जाने वाला जो ट्रक है उसका रेट डाउन होता है, जबकि मुंबई साइड से दिल्ली आने वाले जितने भी ट्रक होते हैं उसका रेट अप होता है। कैसे होता है थोड़ा सा उस पर हम गौर करते हैं। मानते हैं कि आज के डेट में मुंबई से दिल्ली के लिए 32XL 72,000 रुपए का आ रहा है, और वहीं पे मैं देखूं दिल्ली से मुंबई के लिए कोई डबल एक्सल ट्रक 35,000 रुपए का जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये दोनों अमाउंट को ऐड करूंगा। दोनों को अमाउंट ऐड करने के बाद आता है 1,17,000 रुपए। अब जब मैं इस 1,17,000 को 72 और फिर 45 पे मैं डिवाइड करके देखता हूँ, परसेंटेज निकाल के देखता हूँ, तो पता चलता है कि मुंबई से दिल्ली आने वाला जो ट्रक होता है उसका परसेंटेज 62% होता है, जबकि दिल्ली से मुंबई जाने वाले का जो रेट होता है वो 38% होता है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था जब लास्ट को 2-3 वीडियो मैंने बनाया था कि सर इस ट्रक का तो 35 रुपये किलोमीटर के हिसाब से रेट दे दिया जाता है, इस ट्रक का 37 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से रेट दे दिया जाता है। बट भाई आप लोगों के लिए एक सवाल है कि क्या अगर दिल्ली से मुंबई है 1500 किलोमीटर तो 35 रुपये किलोमीटर के हिसाब से तो आप 45,000 रुपये इधर से उधर के ले सकते हो, बट क्या वही 45,000 रुपये आप मुंबई से दिल्ली का ले सकते हो? आप सिंपल एक कैलकुलेशन करके देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आप ले सकते हो, क्योंकि ये मार्केट का रेट ही नहीं है, ये मार्केट में कहीं से भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वहीं पे आप देखते हैं दोस्तों दूसरा रूट लेते हैं दिल्ली टू कलकत्ता, कलकत्ता टू दिल्ली। यहां पे भी जो है आपका रेट उसी तरह से सेम होता है। यहां पे आपको दिल्ली से कलकत्ता के लिए तकरीबन 75,000-80,000 रुपए का ट्रक मिल सकता है, बट अगर हम कलकत्ता से दिल्ली के लिए देखें तो तकरीबन आपको 40,000-42,000 रुपए का मिलेगा। तो यहां पे भी आपका जो रेशियो निकलता है वो तकरीबन इसी हिसाब से निकलता है। यहां पे भी आप दोनों रेट को जोड़िए और उसमें से आप परसेंटेज निकाल के देखिए, जो परसेंटेज आपका होगा वो उस साइड का एक रेट परसेंट होता है। वहीं हम बात करते हैं दिल्ली टू गुवाहाटी, गुवाहाटी टू दिल्ली का। दिल्ली से गुवाहाटी डबल एक्सल ट्रक जो है लगभग 1,00,000 रुपए का जाता है, बट वहीं हम देखिए उधर से जो आता है इस साइड में ट्रक वो तकरीबन 37,000 रुपए का आता है। मतलब कि दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये अमाउंट होता है 1,37,000 रुपए, बट अगर हम परसेंटेज में देखते हैं इस अमाउंट को तो दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से गुवाहाटी का जो परसेंटेज है वो तकरीबन 76% के आसपास होता है, बट वहीं हम उधर से देखें तो तकरीबन 24-25% के आसपास का होता है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि मार्केट का जो रेट है कितना ज्यादा अप एंड डाउन होता है। वहीं पे हम अगर साउथ का रूट लेते हैं तो साउथ के रूट में ऑलमोस्ट जो रेट होता है वो 50-50 का होता है, या फिर 52-48 का होता है, या फिर 55-45 का होता है, इस तरह का रेशियो रहता है। तो इधर थोड़ा सा कम है, बट ये जो तीन रीजन है इंडिया के, यहाँ पर रेट का जो रेशियो होता है ये इसी तरह से होता है जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है। दोस्तों अगर आपको एक्चुअल रेट का मार्केट का जानकारी चाहिए और अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हो तो मेरा आपको एक ही सुझाव है कि आप इसके बारे में हर दिन एक बार वहां के लोकल ट्रांसपोर्टर से पता कीजिए, आपको रेट का आइडिया हो जाएगा। जब आपसे कोई ट्रक मांगेगा तो आप उस रेट में ट्रक को प्लेस करवा सकते हैं। दूसरा, बहुत बार आपके पास ऐसा भी होता है कि लोग पूछ देते हैं कि भैया आज का रेट क्या चल रहा है या मुंबई का रेट क्या चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको सेम वही कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेट निकाल को देना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया, जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताया है। क्योंकि ज्यादा करके जितने भी ट्रांसपोर्टर है आज के डेट में यही करते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है या फिर एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास उस रूट का काम है या फिर जिनके पास उस रूट का काम नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी होती है आज के डेट में इंडिया में, चाहे वहां पे 35 साल वाले भी लोग बैठे हुए जो ट्रक लगाते हैं, जो 35 साल से इस इंडस्ट्री में ट्रक लगा रहे उस कंपनी में, बट अगर उनको भी ट्रकों का रेट बोला जाता है निकाल के देने के लिए, तो भी वो एक बार मार्केट में कॉल जरूर करते हैं एक्चुअल रेट पता करने के लिए, ताकि उसी के हिसाब से वो अपने कस्टमर को रेट दे सके। तो आप सोच सकते हो कि जो 35-35 साल से किसी कंपनी के लिए ट्रक लगा रहा है उनके पास भी एक्चुअल जो रेट होता है मार्केट का नहीं हो पाता है, वो भी एक बार मार्केट से जरूर कंफर्म करते हैं। बट अगर आप फ्रेशर हो, अभी आपने इस इंडस्ट्री में कदम ही रखा है, तो आपको एक बार जरूर ये जो ट्रिक है अपनाना चाहिए,
लोगों से एक बार बात करके आपको रेट लेना चाहिए। इसका दोस्तों और कोई उपाय नहीं है, किसी के पास उपाय नहीं है, कोई भी कंपनी इसके बारे में आज तक कोई काम नहीं किया है जिसके बारे में कि एक्चुअल आज का मार्केट प्राइस आपको निकाल के दे सके, कोई भी कंपनी के पास नहीं है। बीच में एक टाइम में इंडेक्स फ्रेट के नाम से रिविगो ने एक लॉन्च किया था, बट उनका भी अभी के टाइम पे वो एप्लीकेशन जो है उतना काम नहीं कर पा रहा है। रेट वहां पे आपको मिल जाता है, बट पर डे का रेट वहां पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये था आपको पर डे के रेट के हिसाब से आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। हमारे दूसरे चैनल बिजनेस ट्रेड को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए ट्रेड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।